हेलो फ्रेंड्स, आज से ठीक 2 दिन पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोरोना के चलते लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अब देश आने वाले 19 दिनों के लिए और बंद रहेगा। साथ ही उन्होंने 7 ऐसे टिप्स बताए हैं जिन्हें आपको ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और इससे आपका परिवार और आपके आस पड़ोस के लोग भी सेफ रहेंगे। और आयुष मंत्रालय द्वारा सुझाए गए कुछ उपायों को उन्होंने बताया है जिससे आपकी इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। सबसे पहले हम देखते हैं वो कौन से 7 ऐसे टेक्स हैं जिससे आपको COVID-19 से फाइट करने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहला जो आपको काम करना है वह करना है टेक केयर ऑफ एल्डरली। जो भी आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र ज्यादा है उनका आपको ज्यादा ध्यान रखना है। प्रैक्टिस सोशल डिस्टेंसिंग, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है। फॉलो आयुष मिनिस्ट्री टिप्स टू बूस्ट इम्यूनिटी, मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप चाहें तो आयुष मिनिस्ट्री की वेबसाइट में जाकर ये सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं कि आप किस तरीके से अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो में तो आपको मैं बता ही रही हूँ। डाउनलोड आरोग्य सेतु ऐप, ये आपको ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना है। इससे आप यदि बाहर जाते हैं तो आपकी लोकेशन ट्रैक हो पाएगी। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जो कि कोरोना पॉजिटिव है और आप में तो कोई ऐसे लक्षण नहीं दिख रहे हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, तो आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। लुक आफ्टर द नीडी, जो भी नीडी हैं आप उनकी हेल्प करिए। डोंट फायर पीपल फ्रॉम जॉब्स, यदि आपके अंडर में लोग जॉब कर रहे हैं तो आप उन्हें जॉब से मत निकालिए। रिस्पेक्ट COVID-19 फाइटर्स, जो लोग भी COVID-19 फाइटर्स हैं आप उनको रिस्पेक्ट दीजिए, जैसे कि डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं या पुलिस डिपार्टमेंट है, इस तरह के जो भी लोग आपको सोशल सर्विस दे रहे हैं इस टाइम पर, आप उन लोगों की रिस्पेक्ट जरूर करिए। अब हम देखते हैं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए क्या करें जो कि हमारी आयुष मिनिस्ट्री द्वारा बताया गया है। आप पूरे दिन गर्म पानी पिएं, इससे COVID-19 का खतरा काफ़ी हद तक कम होता है। रोजाना योगासनों का अभ्यास करें, कम से कम 30 मिनट तक प्राणायाम और योगासन जरूर करें। खाना पकाने में रोजाना हल्दी, जीरा, धनिया और लहसुन जैसे मसालों का इस्तेमाल करें। रोजाना सवेरे 1 चम्मच लगभग 10 ग्राम च्यवनप्राश जरूर खाएं। डायबिटीज से पीड़ित लोग शुगर फ्री च्यवनप्राश खा सकते हैं। तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, सौंठ और मुनक्का का काढ़ा बनाकर दिन में 1 या 2 बार जरूर सेवन करें। इसमें ज़रूरत के अनुसार आप नींबू या गुड़ इसमें मिला सकते हैं। हल्दी मिला वाला दूध पिएं, आप इसमें 1/2 चम्मच हल्दी मिलाएं और ऐसा दूध आप दिन में 2 बार पी सकते हैं। यदि आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है तो आप रात को सोने से पहले इसे पिएं, इससे आपको यह समस्या नहीं होगी। और इसके अलावा आप क्या उपाय कर सकते हैं, तिल तेल या नारियल का तेल या फिर घी, दोनों को नसिका छिद्रों यानी अपने नाक के छिद्रों में लगाएं, छेदों में लगाएं। ऐसा आप दिन में 1 या 2 बार सुबह शाम कर सकते हैं। 1 चम्मच तिल या फिर नारियल का तेल मुंह में भरें, इसे 2-3 मिनट तक मुंह में ही घुमाएं, इसके बाद उगल दें। इसके बाद हल्के गर्म पानी से कुल्ला करें। यह उपाय भी आप दिन में 1 या 2 बार जरूर अपनाइए। यदि आपको खांसी आ रही है, गला खराब हो रहा है, सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम है तो आप ताज़ा पुदीना या अजवाइन की भाप दिन में 1 या 2 बार जरूर लें। गले में खराश या खांसी होने पर लौंग पाउडर को शहद या शक्कर में मिलाकर दिन में 2-3 बार लें। ये छोटी छोटी टिप्स आप फॉलो कर सकते हैं, इससे आपको COVID-19 से लड़ने में हेल्प मिलेगी। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं, साथ ही आपके शरीर से और भी कई तरह की बीमारियों को दूर करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी एक छोटी सी जानकारी, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप नीचे दिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए ताकि जब भी मेरे चैनल पर नया वीडियो आए तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे।